मेहनत करोगे दिल से तो फिर राहें आसान होगी, मंजिल हासिल करोगे तभी तो तेरी पहचान होगी। बस हौसले को कभी कम मत होने देना, देख लेना एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी। इस मेहनत और हौसले से बिहार की राजनीति से लेकर सामाजिक जीवन में रमा रहना इस शख्स की फितरत है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है दुख देने वाली दुनिया में हर चेहरे पर मुस्कान लाने की। बात हम आज कर रहे हैं उस इंसान की जिसने लोगों को मुसीबत में गले लगाने को अपनी जिंदगी बना ली। बात हम कर रहे हैं पप्पू यादव की, जिसकी सुबह सेवा से शुरू होती है और मजबूत सोच के साथ रात के अंधेरे में भी आम लोगों की जिंदगी बेहतर करने का ललक रहती है। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज हम जनता के सेवक के रूप में जाने जा रहे पूर्व एमपी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की दिनचर्या में से उस पल से रूबरू कराते हैं, जिससे आप भी समझ पाएंगे उनके काम करने का तरीका क्यों सबसे अलग है। तो शुरू करते हैं, बात कल 9 फरवरी की ही ले लेते हैं। पप्पू यादव सारण से पटना लौट रहे होते हैं, तभी दीघा ब्रिज पर अचानक उनकी नजर ताजी साग सब्जियों पर जाती है और अगले ही पल उनका काफिला रुकता है और शुरू हो जाती है उनकी सब्जी की खरीदारी। इस दौरान भी उनकी चिंता देश दुनिया और उस सब्जी वाले की ही करके नजर आती है। फिर कार्यक्रम के अनुसार वे अपने काम में लग जाते हैं। पप्पू यादव मिजाज से गांव और किसानों के बेहद करीब हैं, जो उन्हें ऐसी चीजों के करीब लाता है। रात हुई और वो किचन में आ गए और लग गए खाना बनाने, क्योंकि अपने हाथों से खाना बनाकर साथियों के साथ खाना खाना उनका एक अजीम शौक भी रहा है। बावजूद इसके वे अपने काम को नहीं भूल रहे थे। एक महिला फरियाद लेकर आई, उनकी बातें सुनने लगे और उन्हें सलाह भी दी। क्या बेटा? बाबू वो उसका सुधांशु राजा की बात कर रहा ना, वो बात भी कंकर बाबू उसका फुटेज है, गोली मारने में नहीं है। सर पहले मेरी बात सुनिए ना बाबू। हाँ। गोली मारने में नहीं है, मारपीट में है। सर वो छुड़ाया है सर, वो लोग सर देखिए चाय पीने गया। मेरी बात तो सुनिए, थाना प्रभारी ने साफ कहा कि हम गोली मारने में नहीं देंगे सर। आप जिस मेरे भाई पे सारा देखिए न्यूज में सर लिख रहा, न्यूज में क्या लिख रहा है बेफिक्र रहिए, उसको मत जाइए बाबू। तब तक साग सब्जी तैयार हो चुकी थी। उसके बाद वे वायरलेस पर अपने सहयोगियों को निर्देशित करते हैं और तभी उनके सहयोगी उनसे किसी की मदद में सिफारिश लेकर आते हैं। अमूमन लोग इस वक्त में कहते हैं कि खाना बना ले फिर कर लेंगे, लेकिन इन्हें चैन कहा, बस बन चुकी साग की चौकी के साथ कर दी सिफारिश। अरे क्या बात है, रात में तू कौन सी नाटक करता रहता है यार? क्या फोन किया अभी तुम इनको की शादी भी यार? कौन सी वकालतनामा? अभी कहाँ से वकालतनामा मिलेगा? कौन सी का लगेगा? मतलब काहे ला? साग सब्जी बन जाने के बाद वे लग गए मड़वे की रोटी बनाने में और बनाया भी इस कदर कि मानो एक्सपर्ट हो। लेकिन काम यहां भी नहीं रुका और वे इस दौरान लगातार निर्देश देते रहे। फिर जब खाना तैयार हुआ तो खाने की टेबल पर साग की सौंधी खुशबू ने सबका दिल जीत लिया। यही अंदाज है जन जन में सेवा के लिए जाने जाने वाले पप्पू यादव का। अपनी निजी जीवन में भी उन्होंने सबक के लिए जीना सीख लिया है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको अपने पप्पू यादव की जिंदगी का एक रोचक लम्हा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ खास होगा आपके लिए, जिससे आप पप्पू यादव को जान पाएंगे। देर मत करिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।